मतलब तुम्हारी अनक्रिएटिविटी खानदानी है। तो गाइस लक्ष्य और कोशी ने रोस्ट कर दिया दनान शेख को। तो गाइस कुछ समय पहले दनान शेख और उसके भाई अब्दुल ने डिस्टैक वीडियो निकाला था एलवी यादव के ऊपर, इसी वजह से लक्ष्य और कोशी ने रिप्लाई देते हुए दनान शेख को रोस्ट कर दिया है। तो गाइस अब देखो लक्ष्य और कोशी ने रोस्ट करते हुए दनान शेख को क्या कहा है। ये जैसे रैप बनाता है ना, इसके चैनल का नाम डी अब्दुल नहीं सी अब्दुल होना चाहिए। और ये अब्दुल नाम इतना कॉमन है ना कि इसकी माँ बाप ने ना इसका नाम सोचने में ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करा होगा। मतलब तुम्हारी अनक्रिएटिविटी खानदानी है। इनके पेरेंट्स को है ना अदनान से डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद अब्दुल से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बट अब्दुल के बाद इन लोगों ने कोई भी बच्चा पैदा नहीं करा। देवर लाइक बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं है। इसके भाई ने गाना बनाया था। अब देखो गाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह पाऊंगा इस बवासीर को, क्योंकि गाने में ना कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती है, जैसे कि सुर। इसमें सुर तो नहीं, दो सुवर जरूर थे। बाकी गानों में ना ताल होती है, इसमें दो छिनाल थे। बना बिग बॉस के घर में जाने से पहले ये कह रहा था विनर तो अब आया, मैं यहाँ जीतने आया हूँ। क्या हुआ, चार दिन में बाहर आ गया? कहाँ गया तेरा 50 मिलियन का सपोर्ट? घर आके ना ये यूं कह रहा कि अब मैं रेस्ट करूंगा। अबे चार दिन तो वहाँ रहा, तूने खाया आगा और जिम करा, अब भी तुझे रेस्ट चाहिए। इवन एंट्री के टाइम पे ना ये अनिल कपूर सर के सामने सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा था। इसके औकात ना बस उनके सामने खुलती है जो फ्री कोल्ड ड्रिंक और समोसे के लिए जो पैप्स आते ना, वही इसकी जबान खुलती है और वही ये खड़ा रहता है। और वहाँ भी है ना बेवकूफ का बच्चा सारे डायलॉग्स याद करके जाता है। अब क्या करें यार, तुम सुअर को नाले से उठा के नदी में डाल दो, खाएगा तो तब भी टट्टी हो। तो इस लक्ष्य और आरती का आपको इस वाली रोस्ट वीडियो को देखकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहे।